तो गाइस आज के वीडियो में मैं दो स्ट्रॉन्ग एसेट को आपस में मिला कर देखूंगा कि किस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये रहा नाइट्रिक एसिड, आप देख सकते हैं। और ये रहा दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों एसिड अपने अपने जगह पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पावरफुल एसिड हैं। तो क्या होगा जब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इन दोनों एसिड को मिलाने से पहले इन दोनों में एक चीज़ हमें और मिलाना होगा और वह चीज़ है शुगर। ये रहा गाइस, इसके अंदर पिसा हुआ चीनी है जो काफ़ी बारीक पिसा हुआ है। तो सिंपल सा इस बीकर में आप देख सकते हैं 500 ml का बीकर है। पहले मैं शुगर डालूंगा, फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड और फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसके बाद का रिएक्शन देखते हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने इस बीकर में थोड़ा सा पिसा हुआ शुगर ले लिया हूँ, आप देख सकते हैं। और सिंपल सा इन दोनों बॉल में आप देख सकते हैं, एक में लेना है हमको सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा में लेना है नाइट्रिक एसिड। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं। अब फिर उसके बाद काफ़ी स्पीड से पहले मैं डालूँगा सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड, फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस चलिए, रेडी हो चुका है सारा चीज़। इस बीकर में है सिंपल सा पिसा हुआ शुगर और इस बॉल में है गाइस सल्फ्यूरिक एसिड और उस बॉल में है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो चलिए सिंपल सा इस शुगर में डालते हैं और देखते हैं किस प्रकार का रिएक्शन होता है। तो पहले मैं डालूंगा इस सल्फ्यूरिक एसिड को, ये गया सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, जैसे ही मैंने शुगर में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, काफ़ी स्पीड से रिएक्शन चालू हुआ, काफ़ी ब्यूटीफुल स्मोक निकला है उस बीकर से। चारों तरफ गाइस पूरे रूम में वो स्मोक भर चुका था और काफ़ी गोल्डन कलर का स्मोक था और काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा था। लेकिन अच्छे के साथ साथ गाइस उसमें से काफ़ी ख़राब और काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी गाइस, और मैं काफ़ी दूर चला गया था यहाँ से। और साथ साथ में आँखों में गाइस जलन हो रहा था उस धुएं को, जिससे मेरे आँख में जा रहा था तो जलन महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने काफ़ी दूर जाके खड़ा हो गया।
तो गाइस आप लोग को वीडियो में कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा ही मज़ा आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ गाइस इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।